कल हमने सुना कि ज्ञान कैसे बहुत सिंपल है। हमें अभ्यास से समझ में आया कि अटैचमेंट से कितना नुकसान है। मगर ये जानते हुए भी अगर हम माया और रावण से एग्री करते हैं कि ऐसे कैसे, अटैचमेंट तो जरूरी है, तो हमें ये अच्छे से अवेयरनेस होना चाहिए कि हम खुद अपने लिए दुख का जीवन चुन रहे हैं। तो फिर ऐसे ही हमारी डेस्टिनी यानी किस्मत भी बनती है। हमारी किस्मत इस बात से डिसाइड होती है कि हम रावण माया के मत को फॉलो करते हैं या रावण के सॉरी राम के मत को फॉलो करते हैं। हमने फिर सुना राम यानी परमात्मा के बारे में। सवाल यह है कि एक्चुअली में गॉड कौन है? गॉड के साथ सदा शब्द हमेशा जुड़ा होता है, जैसे सदा सत्य, सदा सुंदर। परमात्मा आत्मा की तरह पॉइंट ऑफ लाइट है, और हम अज्ञान में भी परमात्मा से सदा सद्बुद्धि मांगते आए, मतलब सभी मत सही मत मांगते आए हैं, पारस बुद्धि मांगते आए हैं। फिर हमने जाना कि जैसे हमारा संग होता है वैसे ही उस संग का रंग हम पर चढ़ता है। फिर वो चार बातें समझी जिससे किसी के संग का असर हम पर पड़ने लगता है। वो चार बातें हैं व्हाट ही नोज, व्हाट ही सीज, व्हाट ही थिंक्स एंड व्हाट ही फील्स। हम ये बात अगर परमात्मा के कंपनी के बारे में लागू करें तो जो परमात्मा जानते हैं, देखते हैं, सोचते हैं और फील करते हैं, तो उनके संग का असर हम पर भी पड़ने लगता है और हम भी वही करते हैं जो परमात्मा करते हैं और चाहते हैं। तो सार में यही है कि जब हम दिल से परमात्मा या पारसनाथ के साथ संग या संबंध रखेंगे तो हम ट्रुथ के नजदीक जाते रहेंगे और इस रावण की दुनिया से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज हमें क्या सच्चा नॉलेज सीखने को मिलता है। सो मैं अभी सिस्टर को रिक्वेस्ट करूँगा कि आज आज का सेशन आगे बढ़ाए। ओवर टू यू सिस्टर। ओम शांति। तो हम थोड़ा सा एकाग्रता को इस्तेमाल करके अनुभव में आते हैं। सच्चे अनुभव में आते हैं। बहुत सुनहरा, बहुत सुकून दे लाल प्रकाश है। चारों तरफ इस लाल प्रकाश को हम देख पा रहे हैं। और यहाँ दो सितारे हैं, दो डॉट्स, पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथी हैं, दोस्त हैं। दोनों ही पॉइंट्स आपस में हमेशा सदा सुख की लेन देन करते हैं। रिस्पेक्ट की लेन देन करते हैं।
दोनों सितारे हानि से परे हैं। दोनों डॉट्स पॉइंट्स पावर से भरपूर हैं, शक्तिशाली हैं। दोनों के पास ये शक्ति है कि इनके सामने ऐसा भी दृश्य, ऐसा भी सीन लाया जाए वो स्थिर रहते हैं, प्रश्नों के परे रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, कोई शिकायत नहीं। दोनों समझदार, दोनों बिल्कुल स्पष्ट हैं, विजडम से भरपूर हैं। उनकी दुनिया, उनका घर अलग है। और जो ड्रामा चल रहा है, मूवी चल रही है, वो दोनों जानते हैं कि ये पराई दुनिया में है। एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाओं, इच्छाओं से मुक्त रहते हैं। दोनों पॉइंट्स का ये रियल नेचर है, असली स्वभाव है। दोनों पॉइंट्स मूवी को देखते हैं, उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं। लेकिन हर समय फ्री रहते हैं, हर सेकंड स्वतंत्र रहते हैं। ये स्वतंत्रता का ऑप्शन सबसे सुनहरा, विशेष, महान ऑप्शन है। और ये जीवन की क्वालिटी बदल देता है, ये ऊंचे अनुभवों में ले आता है इस पॉइंट को। और ये करना बहुत सहज है, सिंपल। पारस बुद्धि का यूज करना, अपनी पूरी जीवन रूपी यात्रा के दौरान मेहमान कॉन्शियस रहे, मेहमान जगा हुआ रहे, उसको पता रहे कि वापस जाना है और हम यहाँ पर मेहमान हैं। हर पल अनुभव करेगा स्वतंत्रता का,
और लकी होने का, उसके लिए सब कुछ शुभ शुभ ही शुभ है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। कल जैसे हमने बहुत ही अच्छा एक टेक्निक जानी, जिसके आधार पे हम किसी का भी कंपनी में ट्रूली रहते हैं ना, किसी के संग का हम पर असर पड़ने लगता है जब ये चार बातें सामने होती हैं। जब ये चार बातें एक्शन में हैं तो किसी के भी संग का हमें असर पड़ने लगेगा। और यहाँ पे अगर हम विशेष रूप से परमात्मा के संग की बात करें, ऑर्डिनरी रूप में लोगों के संग का असर, उनके मन का असर हमारे पर कई तरह से पड़ता है। वाइब्रेशंस एक्सचेंज होती हैं ना, कई तरह से लोगों के अलग अलग मन की स्थिति का असर हम पे पड़ता है। और यदि हम देखें कि परमात्मा के संग का असर अपने ऊपर पड़ने लगे, तो उसके लिए परमात्मा क्या जानते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। वो क्या जानते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच कैसी है, और वो क्या देखते हैं, और वो क्या अनुभव करते हैं, फील करते हैं। किसी भी सेकंड में ये चारों चीजें एक साथ एक्टिवेटेड हैं, तो हम उसी एक्सपीरियंस में हैं जो गॉड का एक्सपीरियंस है, परमात्मा का जो साथ का अनुभव है। तो इसी सेकंड अगर हम एक साथ इसको प्रैक्टिस करें, इसी सेकंड, और यदि कोई यहाँ पर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी पहले मन में आए उससे पहले पूरा अपने आप को इसमें डेडिकेट करें, इस प्रैक्टिस में, कि इसी सेकंड परमात्मा क्या जानता है। तो ना हजारों लाइनों की थ्योरी नहीं, लेकिन वो क्या जानता है, सबसे बड़ी चीज, सबसे मेन चीज जो वो जानता है, कि आत्मा जो पॉइंट है वो हानि से परे है, वो अमर है, अमर है, हानि से परी है, इटर्नल है, सदा है। और जो यहाँ पर दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो आवाजें चल रही हैं, ये जो सेशन चल रहा है, जूम कॉल, ये सब एक मूवी के स्टेज पर हो रहा है, ये एक ड्रामा के स्टेज पर हो रहा है। तो ये बात हम भी जान लेते हैं ना, हम भी इसी इसी अवेयरनेस में आ जाते हैं। फिर परमात्मा क्या सोचते हैं, ये जान चुके हैं, ये जान रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं, अगर इस वक्त ये जूम कॉल बंद हो जाए, एकदम से बंद हो जाए, एकदम से ये रूम ना धरती हिलने लगे, क्या जानते हैं परमात्मा, क्या जो वो जानते हैं उसके आधार पे क्या वो सोचते हैं, क्या सोच चलेगी, सोच क्या चलेगी कि ये मूवी के स्टेज पर हो रहा है, मैं पॉइंट जो हूं, मैं इस दुनिया का हूं ही नहीं, ये स्टेज पर हो रहा है, पराई दुनिया में हो रहा है, और ये जो हो रहा है इसमें भी मुझे कोई हानि नहीं है, मेरा कोई भी नुकसान नहीं होगा इसमें। तो धरती हिलने लगे, फिर भी परमात्मा की सोच क्या है, हानि से परे, कोई नुकसान नहीं, कोई भय की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, बिल्कुल उनके सुकून को, उनके निश्चिंतता को, आनंद को कोई चीज
उसको खत्म नहीं कर सकती, भस्म नहीं कर सकती। फिर परमात्मा क्या देखते हैं? सामने जो चल रहा है, जो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति बात कर रहा है, जो व्यक्ति खाना दे रहा है, जो व्यक्ति आके यहाँ पर ना कुछ मम्मी मम्मी बोल रहा है, पापा पापा बोल रहा है, क्या देखता है वो? परमात्मा देखते हैं ना, सुप्रीम बीइंग, वो क्या देखता है? ये सब रोल्स प्ले हो रहे हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं, अपना अपना इनका रोल प्ले हो रहा है। तो वो देख रहे हैं कि सीन चल रहा है, यू कैन सी सीन चल रहा है, और यहाँ पे 5 साल का कोई रोल प्ले हो रहा है, कोई 50 साल का, लेकिन इन सब के पीछे वही हानि से परे एक मेहमान है, वही हानि से परे अपने परिवार की ना, अपने परिवार की एक आत्मा है। तो वो ये देख रहे हैं, सीन को सीन देख रहे हैं, सीन को रियलिटी नहीं समझ रहे हैं, सीन को सच नहीं समझ रहे हैं, सीन चल रहा है, शो, एक परफॉर्मेंस चल रही है, कोई डायलॉग बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, परफॉर्मेंस चल रही है ऑल द टाइम। और ये सब जानते सोचते देखते हुए क्या अनुभव कर रहे हैं परमात्मा? तो अनुभव है कंप्लीट फ्रीडम, बिल्कुल स्वतंत्र, कोई उसमें उलझना, सुलझाना, एक्सपेक्टेशंस कुछ हो ही नहीं सकता। इस जानकारी, इस सोच, इस विजन के साथ एक्सपीरियंसेस संतुष्ट, ये मोमेंट जो है, ये क्षण जो है, ये गिफ्ट है, तोहफा है, ये अनुभव है, अनुभव है कि ये जो परफॉर्मेंस चल रही है ना, व्हाट अ गिफ्ट, और व्हाट व्हाट अ गिफ्ट, क्या ये कितना ये अनोखा तोहफा है कि अनुभव करने वाला जो है वो अमर है, वो अजर है, वो अविनाशी है। ये 1 सेकंड में ना, इसको हम जैसे ही ट्यून इन करते हैं ना, दिस इज लाइक ट्यूनिंग इन परमात्मा के फ्रीक्वेंसी उनके उनके साथ। और ये जो ट्यूनिंग इन है, ये हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो यूज करना है, उसका जो यूज है यहाँ पर, ये करना कैसे है, ये ट्यून इन, ये इंटेलेक्ट से, बुद्धि से करना है, बुद्धि के इस्तेमाल से ये ट्यूनिंग इन होगी। तो जस्ट अपने बुद्धि को हमें विशाल, उसको एक्सटेंड करना है, उसको पारस बुद्धि, जो पूरी पूरी जो तस्वीर है उसको देखना। सो यहाँ से कोई कोई किसी का प्रश्न है, कोई थॉट किसी को शेयर करना है? एनी थॉट, एनी कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो अभी हम ले सकते हैं। जीवन मुक्ति का एक्सपीरियंस है ना, तो अभी एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल याद आता है कि जैसे एक मधुमक्खी होती है ना, वो मधुमक्खी को हम हम पूरा उसका जो जीवन होता है, वो थोड़ा थोड़ा शहद जो है उसको ना खाती है, चखती है, थोड़ा थोड़ा शहद चखती है, फिर उड़ती है, फिर दोबारा आती है, थोड़ा शहद चखती है ना, उड़ती है, तो ऐसे उसका जीवन जाता है। अभी इसी मधुमक्खी को जो थोड़ा थोड़ा चख रही है शहद, और फिर मेहनत करती है कि फिर दोबारा चखने को मिले, तो ऐसा उसका जीवन चल रहा है। इस मधुमक्खी को हम एक पूरा एक बर्तन दे दें पूरा शहद से भरा हुआ, फिल्ड विथ हनी, तो उसको तो जो वो एक एक ड्रॉप के लिए, एक एक बूंद के लिए वो तरसती है,
भोजन के लिए, तो अब उसको पूरा एक बर्तन मिल गया है, बाल्टी, जो कि भरा हुआ है शहद से। तो अब वो मधुमक्खी जो है उसको चखना शुरू करती है, और क्योंकि पूरी बाल्टी मिल गई है तो मन करता है और ज्यादा और ज्यादा, ना और ले लें और कर लें। तो उस और करने में क्या होने लगता है कि वो उसमें डूबने लगती है, और जहां से वो मधुमक्खी डूबने लगती है, तो 10 मिनट पहले तो सब उसको ना तारीफ कर रहे थे कि सब ना कि इसका तो बड़ा भाग्य है, पूरा का पूरा डिब्बा ही इसे मिल गया ना, इसके तो क्या कहने, सब उसको मुबारक दे रहे थे कि आप तो बहुत ग्रेट हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे। और अब थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद, वो ही मधुमक्खी ना जिसके लिए उसको मुबारकें मिल रही थी और तमाम तरीके का लोग तारीफ कर रहे थे, अब वो मधुमक्खी उसी शहद के डिब्बे में ना डूब रही है। तो अब उसको किसी को बुलाया जा रहा है कि इसको बचाओ। तो अब सेम जिसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हो रहा था ना कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको तो मिल गया, इतना ज्यादा मिल गया, तो अब सेम उसी कॉन्ग्रेचुलेशंस का जो कारण था उसी में वो मधुमक्खी डूब रही है, और वो अब मरने की हालत में आ गई है, और उसको अब जरूरत है कि कोई उसको बचाए, मरने से बचा ले, डूबने से ना बाहर निकाले। तो यहाँ पर भी हम देखें अगर, तो हमारा हमारी अपनी दुनिया है, हमारा अपना वर्ल्ड है, ये बहुत सुंदर लाइट की दुनिया है, सभी सितारों का घर है, और सभी जो सितारे हैं वो एक एक करके इस रंगमंच पर, स्टेज पर आते हैं, जो स्टेज है यहाँ पर, इस पर आते हैं। अभी स्टेज पर संबंध हैं, रिश्ते हैं, फिर माँ है, बाप है, अंकल है, आंटी है, पति पत्नी बच्चे हैं, उसके बाद उसमें जॉब है, धन है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, इस इधर घर गाड़ी सब कुछ है तो ना किसी को एक चीज नहीं मिल रही है, घर नहीं मिल रहा है, तो उसे लगता है बहुत खरीद नहीं पा रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लम का विषय हो जाता है। मिल जाता है घर ना, ले लेते हैं किसी तरह, फिर उसके लिए सब बधाई देते हैं, सब कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर थोड़े टाइम के बाद उसी जो कारण जिसके पीछे भाग रहे थे, उसी कारण की वजह से अभी थोड़े टाइम बाद पूछो तो वही प्रॉब्लम बन गई है। तो किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो सारा कुछ बहुत ही उनको फील हो रहा है कि हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। फिर हो जाते हैं तो वही पूछो कि क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, तो वही प्रॉब्लम है, टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन ऐसे चला जाता है। सो ऑल द टाइम हमारे पास क्या है, ये जो स्टेज है यहाँ पे तरह तरह का सब चीजें हैं, जैसे कहा संबंध है, यहाँ पर अलग अलग रिश्ते हैं, रोल्स के लेवल पे सारे रिश्ते, ये सब जो टेम्पररी रिश्ते हैं ये रोल्स के लेवल पर हैं, फिर जो डिफरेंट रोल है उसका स्टेटस है, उससे संबंधित तमाम तरीके की प्रॉप्स हैं। तो यही मधुमक्खी की तरह थोड़ा थोड़ा हमें जो मिल रहा है उसको चख कर, उसको एक्सपीरियंस करके अपना फ्लाई करती रहती है मधुमक्खी, तो वो अपना जाती है, दूसरे फ्लावर्स पे बैठती है, फ्लाई करती है। लेकिन अब उसको एक चीज मिल गई है जो उसको चाहिए थी, और बहुत ज्यादा जिसपे उसको लग रहा था कि यही मुझे चाहिए, वो एक चीज मिल गई है, उसमें वो थोड़े टाइम के बाद सफोकेट होने लग रही है, खुद ही डूबने लग रही है, इतना ज्यादा उससे अटैचमेंट की, और तो वो ही उसका सारा दुख का कारण हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये ड्रामा है, इसमें हम आ रहे हैं, रोल्स प्ले हो रहे हैं, अपना स्टेज पे परफॉर्मेंस चल रही है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा अगर हमें ये कुछ लगने लगता है और इसमें कुछ होने लगता है, तो हम देखेंगे कि हमारा फीलिंग्स क्या हो रही है। एक परफॉर्मेंस चल रही है, एक्टर आया है, परफॉर्म करता है, चला जाता है। तो ये बार बार सीन टू सीन, एक घंटे से दूसरे घंटे में जब ट्रांसफर होते हैं, तो ये जो स्टार है ही नीड्स टू फ्लाई,
उसको उड़ने की जरूरत है, अदरवाइज जो एक मधुमक्खी की हालत है यही हालत पूरे दुनिया की हालत है। पूरी दुनिया जो है वो सिंक हो रही है, सारे जो मेहमान यहाँ पर आए हैं वो सफोकेट हो रहे हैं इन्हीं सब, इन्हीं सब यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं इस ड्रामा की, अलग अलग चीजों को पकड़ के दे आर कम्प्लीटली उसमें डूबते जा रहे हैं, और डूबने से किसी और को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जो डूब रहा है, जिसने अटैचमेंट्स क्रिएट करी हैं, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है, उसको बहुत ज्यादा दुख है। तो दुख का जीवन जरूरी नहीं है, ये सबसे बड़ा सबसे बड़ी स्टेटमेंट है, ये सबसे बड़ा एक बोले तो महावाक्य है, एक महावाक्य है ये, कि दुख की जीवन को जीने के लिए दुख जरूरी नहीं है, पेन इज नॉट नेसेसरी, कंपल्सरी नहीं है। और दुख आए, कितना आए, कहाँ से आए, कैसे आए, इसको पूरा पूरा हम जैसे जैसे अपने अंदर में चेंज लाते जाएंगे, अब जितना अपने अंदर में ये जो तमाम तरीके की पहचाने हैं ना, ये जो एक एक पहचान है, ये बहुत कुछ वैल्यू देके बैठी है, कन्विंस्ड है कि ड्रामा में ये जरूरी है वो जरूरी है, तो इन पहचानों को खत्म करना, इनको डिसॉल्व करना, कैसे डिसॉल्व करना है, एक ही तरीका है इनको डिसॉल्व करने का, रियल आई को, उसको होश में लाना, मेहमान को होश में लाना कि आप मेहमान हो। तो ये पॉइंट जितना जितना होश में आ रहा है, ये डॉट पॉइंट ऑफ लाइट होश में आ रहा है, ये डिसॉल्व होती है, और ये होश में नहीं आ रहा है तो हम सालों साल ये सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, बट जो आई है वो बिजी है ना, उसको एक यहाँ से एक बड़ा केक चाहिए ना, उसको एक अच्छे वाइट कपड़े चाहिए, उसको एक बेटर स्टेटस चाहिए, उसको कभी कुछ चाहिए, उसको अपनी एक टीम चाहिए, उसको ना कुछ उसको यहाँ से चाहिए। एंड ये ड्रामा है, परफॉर्मेंस है, आए और गए, तो कम एंड गो, ये हमारा स्लोगन होता है, आना और जाना, कम एंड गो, ये दिन में कई बार ये होता रहे, कई बार ये अंदर में चलता रहे। सो दिस इज द मैसेज फॉर अस, बड़ा महावाक्य है कि दुख का जीवन जरूरी नहीं है, और दुख के जीवन को खत्म करने के लिए जो तरीका है वो सहज है, जो भी हम जीवन में आज दिन तक कर रहे हैं वो सबसे सहज है। हमने तो कितना कितना पढ़ लिया है, 12 साल मिनिमम स्कूल में कोई व्यक्ति पढ़ता है, वो सब बहुत डिफिकल्ट है, 9th क्लास 10th क्लास ये वो, एंड दिस इज ऑल, ये सहज है ना? सहज भी इतना सहज है क्योंकि अब हमें माया और रावण के भी सारे टेक्निक्स पता है, किस एक्सटेंट तक वो जा सकते हैं ना, माया रावण का मतलब ही है, रावण रावण इसीलिए है क्योंकि उसको इस दुनिया के अलावा कुछ पता नहीं है। तो जहां पे हम इससे बाहर कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, रावण कमजोर होता है, रावण को रावण इनसिक्योर होता है, डरता है, तो ये इसका भी हमें सारा, माया भी किस किस तरीके से आती है, क्या उसके तरीके हैं आने के, एक एक जो हमें सबसे वाकिफ है हम, तो अब बचता सिर्फ एक काम है, इसको कॉन्शियस करना, अब बहुत ज्यादा जानना समझना उसकी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की इतनी जरूरत नहीं है, पॉइंट बहुत सिंपल है, दिस रियल सेल्फ इसको जगना, यही पॉइंट है, मेन पॉइंट है, इसके अलावा सब विस्तार है, हम नॉलेज की लेन देन करते रहेंगे, बट उसके साथ साथ ये भी होता रहे तो फिर तो मेन काम हो रहा है। याद और योग में क्या अंतर है? याद
आई थिंक जस्ट यू नो डिफरेंट यू नो वोकैबुलरी है, जस्ट वर्ड वर्ड्स हैं एंड वर्ड्स के पीछे एक अलग अलग परसेप्शंस हैं. जस्ट यू नो हर शब्द जो है वो तो बहुत ही न्यूट्रल शब्द है, लेकिन उसको इतने समय से वो यूज हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है और सारे सब लोग उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, तो वो ही उसमें डिफरेंस है. तो योग जो शब्द है वो यूजुअली योग हम यूज करते हैं, तो भगवान से योग लगाना, ध्यान योग, वो जैसे हमारे लिए हम योग किसी को याद कर रहे हैं तो भगवान को याद कर रहे हैं, तो उसको समझा जाता है कि भगवान अभी तक एक हायर एक सुपीरियर अथॉरिटी है और उसको याद करना तो ये एक बड़ी बहुत बड़ी घटना है और उसी को योग का नाम दिया जाता है. तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग यूज्ड. एंड बाकी हम किसी को याद कर रहे हैं तो वो याद है. तो जहाँ पे एक यू नो जहाँ पे हम कहें कि एक आपस का एक रिश्ता है, संबंध है ना, हमें अच्छा लगता है तो वहाँ याद हो जाती है. बाकी भगवान के लिए सब कुछ अलग है, यू नो ऑल द वर्ड्स वी यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गॉड सब डिफरेंट, यू नो. तो वो जस्ट भक्ति में इस तरीके से क्रिएट किया जाता है डिफरेंस बिटवीन बाकी सब एंड गॉड, टू शो कि ये एक हायर पावर है, ये एक सुपीरियर चीज है. बट फॉर अस ये जरूरी है कि हम क्योंकि जानते हैं कि दोनों ही प्रोसेस में, चाहे याद हो चाहे योग हो, चीज एक ही हो रही है. ये देर इज अ कनेक्शन, और कनेक्शन इसीलिए है क्योंकि एक संबंध है. तो अभी तक परमात्मा को कह तो रहे हैं कि वो पेरेंट है, फादर है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अंदर से रावण एंड माया आर क्वाइट एक्टिव एंड दे नो कि हमारे मम्मी पापा तो यही है मम्मी पापा, और हमारे अब जो यू नो दोस्त हैं वो तो यहाँ पर ही हैं दोस्त. तो रोल के लेवल पे हर चीज से ऊपर ऊपर से नॉलेज है कि भगवान पिता भी है, भजन भी हम गाएंगे, तुम मात पिता हम ना बालक तेरे, तुम ही हमारे साईं हो, हमें शरण दो, वो सब हम गा रहे हैं. लेकिन अंदर से रावण एंड माया इज वेरी कन्विंस्ड कि यहाँ पे जो रमेश के पापा हैं वही मेरे पापा हैं, और रमेश की जो वाइफ है वही मेरी वाइफ है, और उन्हीं से मेरा संबंध है. अभी इस रमेश को पता चले कि इसको इंडिया जाना है अपने मम्मी पापा से मिलने, तो उसका पूरे महीने वो खुश होगा, डांस करता रहेगा अंदर से. इसी इसी अंदर में इसको बताया जाए कि आपको परमात्मा से मिलना है, तो वो इंटेंस यू नो एक बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क होने जा रहा है, तो उसके लिए खुशी, उसके लिए. सो इट इज जस्ट हाउ वर्ड्स आर यूज्ड, बट दोनों में ही बात इतनी ही है कि जो रियल आई है ये जितना कॉन्शियस होगा तो ये परमात्मा को याद करता है, और उस याद में प्यार है, संबंध है, स्पष्टता है, क्लैरिटी है. तो बेटर फॉर अस टू यूज द वर्ड याद. याद शब्द हम इंटरनली यूज करें, एक्सटर्नली यूज करें, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, एक अच्छा मोटी उमंग उत्साह का, मोटिवेशन का बना रहता है वातावरण. व्हेन सिचुएशंस डिमांड एन एक्शन, हाउ टू डू दैट एक्यूरेटली, बिकॉज सिचुएशन डिमांड्स एन एक्शंस एक्शन फ्रॉम वेरियस आइडेंटिटीज रोल्स ओनली. Will that happen without me thinking about it? हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी अभी एक्शन परफॉर्म करना, या एक्शन सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है. यू नो ड्रामा में यहाँ पे स्टेज पर कुछ यू नो फ्रॉम सीन ए टू सीन बी छोटी छोटी सिचुएशंस आती हैं और वो कुछ कुछ डिमांड करें, तो वो डिमांड्स हम अभी तक फुलफिल करते आए हैं लोगों से और सिचुएशन की एंड ऑल दैट. बट इन द बिगर पिक्चर जो डिमांड है वो है डिटैचमेंट की. पूरे पूरा अगर हम इस पूरी चीज को देखें ना, इस पूरी चीज को अगर देखा जाए पूरे सर्कल को, तो इस पूरे तस्वीर में जो डिमांड है अल्टीमेटली जो
जो डिमांड है वो है टू फ्लाई। फर्स्ट ये चीज हो रही है तो बाकी सब एवरीथिंग एल्स, अगर ये चीज हो रही है ये सबसे एक्यूरेट है। अगर हम कहें ना नेचर क्या डिमांड कर रहा है, टाइम क्या डिमांड कर रहा है, यूनिवर्स जो भी वो क्या डिमांड कर रहा है, सिचुएशन से एक छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं उसके, बट अल्टीमेटली यूनिवर्स यू नो नेचर कुदरत क्या डिमांड कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है हर एक मेहमान को टू फ्लाई, कि आप जो है उड़ो। और ये पहला स्टेप अगर होता है तो ये एक्यूरेट है। इसके बाद वर्ड्स में, एक्शंस में, थॉट्स में जो भी होता है वो एक्यूरेट होता है, बट अगर ये पहला स्टेप मिसिंग है तो पहले स्टेप में ही एक्यूरेसी नहीं है। उसके बाद भले वो सिचुएशन में 2 दिन के लिए लगे कि हमने एक्यूरेट किया, बट बहुत जल्दी फिर कुछ और सिचुएशन आएगी एंड वी विल बी फेस्ड विद द सेम सेम थिंग, दोबारा सेम चीज आके खड़ी होगी एक अलग तरीके से, और फिर हम वही छोटा छोटा कुछ फिक्सिंग का सोल्यूशन ढूंढेंगे कि इसको कैसे फिक्स करें, कैसे ठीक करें, बट बिगर जो डिमांड है वो सेम रहती है। तो हर सिचुएशन में, हर सीन में एक अल्टीमेट डिमांड है, वो डिमांड जो पूरी कर रहा है उसके फॉलोइंग सारे स्टेप्स एक्यूरेट होंगे। तो जो हमारी कंसर्न रहती है कि हम एक्यूरेट एक्शन कैसे करें, सही एक्शन कैसे करें, तो सही एक्शन जो अल्टीमेटली कुदरत का जो एक डिमांड है कि आप अपने सही पोजीशन में आओ, आप अपनी सही स्थिति में आओ, अगर वो स्टेप स्थिति सही है तो बाकी सब सही है। और अगर स्थिति नहीं सही है और हमने 2 कर्म ठीक कर लिए और 2 कर्म ऐसे कर लिए, अल्टीमेटली स्थिति को ठीक करने की चीजें फिर आएंगी, दोबारा आएंगी। रिगार्डिंग पेन मैसेज, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग हैपन्स टू ब्रेक आर आइडेंटिटीज, बट इफ इट इज हैपनिंग टू यंग किड्स 10 ईयर ओल्ड, दैट सोल ऑल्सो नीड्स टू ब्रेक। जी, यहाँ पे यू नो यंग एंड ओल्ड की बात नहीं है, कोई भी सोल की आइडेंटिटीज उसने क्रिएट करी है तो सबको हर तरफ से मैसेजेस आएंगे। और हम किसी और को भी पावर तब दे सकते हैं जब हम खुद वो ब्रेक करने का काम खुद कर रहे हैं। एंड ये बहुत एक नॉर्मल सी कहने की बात नहीं है कि यू नो सब कुछ हो रहा है जस्ट हमारी आइडेंटिटी ब्रेक करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हर चीज जो हो रही है वो आइडेंटिटीज ब्रेक करने के लिए हो रही है। और अगर हम पहले से ही आइडेंटिटी खुद ही उसको छोड़ दें, देन यू नो थिंग्स विल चेंज, सिचुएशंस जो है वो अब उस हिसाब से। तो आई थिंक यहाँ पर एक 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 पिक्चर है कि इसमें एक बहुत ही स्ट्रेस की बात नहीं है कि सब कुछ हो रहा है आइडेंटिटी ब्रेक करने के लिए, एंड एज इफ ये कोई बहुत ही यू नो डॉन्टिंग टास्क है। हर एक जो है यहाँ पर आके लाइन क्रॉस कर चुका है, और हमारा अभी की समझ और अभी की जो हमारी रियल पोजीशन है, रियल जो माइंड की फोटो है वो ऐसी है कि उसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। तो उस चीज को कभी डिनाई करना या उसको हम उससे घबराएं इसकी कोई बात नहीं है, ये तो ये एक रियलिटी है, इसको वी हैव टू एक्सेप्ट। और इसीलिए जो ये जो एक दोहा है कबीर दास का कि गुरु कुम्हार और शीश जो स्टूडेंट है वो कुंभ है, और घड़ी घड़ी काढ़े खोल, अंतर हाथ सहारा दे और बाहर हाथ, बाहर हाथ बाहे चोट। विच मीन्स कि ये जो कुम्हार गुरु जो है वो कुम्हार है, और जो स्टूडेंट है वो कुंभ है, तो दो हाथ काम कर रहे हैं पूरे टाइम, एक परमात्मा का हाथ है एक ड्रामा का हाथ है, दोनों अल्टीमेटली मुझे मेरी रियल पोजीशन में ला रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन आइडेंटिटी ब्रेक करने वाले भी बने, इट्स वेरी गुड, वो शेप मुझे अपनी वापस ट्रू स्थिति में ला रहा है, तो दोनों ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई डोंट नेसेसरीली हमें कोई
उसका एनालिसिस में जाने की जरूरत नहीं है. ये फाइनल वर्डिक्ट इज, बॉटम लाइन इज, कि दोनों हाथ सपोर्टर्स हैं, दोनों हाथ जो है वो कुम्हार का काम कर रहे हैं, और जो ये स्टूडेंट है, ये जो कुंभ है, ये शेप हो रहा है, ये अपनी ट्रू आइडेंटिटी में आ रहा है. तो वेरी थैंकफुल, जहां हमसे मिस हो जा रहा है तो ड्रामा इज देयर, और जहां हमसे मिस नहीं हो रहा है, हम परमात्मा के साथ कर रहे हैं, उसके अलग रिवॉर्ड्स हैं. तो हमारे लिए तो काम दोनों तरफ से हो रहा है. इतना उसमें तो हम यहाँ पर एक एक चीज हम आज देखेंगे कि टोटल एक्सेप्टेंस, एक पूरा पूरा ध्यान हमारा अपने पर आ जाए, जिसको कहते हैं स्व दर्शन, सेल्फ पर, स्व दर्शन. तो पूरा पूरा हमारा ध्यान इस पर आने के लिए एक और हम जो मॉडल देख रहे हैं, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, एक नया डायमेंशन है, और जिसको समझने के लिए अब हम रेडी हैं. तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा रेडी होना पड़ता है, एंड उसके बाद वी अंडरस्टैंड दिस. एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग से हम कंप्लीट स्व पर, कंप्लीट सेल्फ पर आना जो है, और उसी पर रहना, बिजी विथ अपने आप पर काम करने में बिजी रहना, ये एक नेचुरली होने लगता है, और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हट जाते हैं ना? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा माया का जो सबसे बड़ा एक माया के बहुत सारे कार्ड्स हैं, हमने देखा कि पोस्टपोन करना, बहाने देना, डाउट्स क्रिएट करना, ये सब कुछ माया के कार्ड्स हैं, माया के टेक्निक्स हैं. लेकिन ये सब कुछ शुरू कैसे होता है? सब कुछ सबसे पहले ये सब शुरू होता है पर दर्शन से. पर दर्शन मीन्स एक्सट्रोवर्ट हो जाना और बाहर स्टोरी को देखना और कैरेक्टर्स को देखना, और कैरेक्टर को कैरेक्टर मान के नहीं देखना, स्टोरी को स्टोरी मान के नहीं देखना, एक एक्सपेक्टेशन से देखना. तो वहां पे आता है पर दर्शन. तो पर दर्शन जो है वो बहुत ही डेंजरस है, और पर दर्शन जो है हमेशा हमें मेन काम से डिस्ट्रैक्टेड रखेगा, और माया जो है वो पूरे टाइम हमें चाहती है कि हम पर दर्शन ही करते रहें, विच मीन्स हम इस स्टोरी को देखते रहें बट नॉट एज अ स्टोरी. यहाँ पर कुछ देखते रहें, यहाँ के कैरेक्टर्स को देखते रहें, बट नॉट एज कैरेक्टर्स, रोल्स के रूप में नहीं, लेकिन हम उनको कुछ कुछ उनसे चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ना, अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने कुछ गलत समझ से हम देखते रहें, कुछ सीमित समझ के साथ देखते रहें. तो आज का जो हमारा मॉडल है, ये हमें इससे फ्री करता है, प्रदर्शन से. एंड हम अगर देखते भी हैं बाहर, तो एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, एक बहुत गहरे गहरे कंपैशन, कंपैशन को हिंदी में बोलेंगे, एक सद्भावना, एक शुभ भावना के साथ, जब हमें दिखेगा भी, हम कैरेक्टर्स को देख भी रहे हैं, तो उनको विथ अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस और एक बहुत जागृति के साथ. तो इंटरेस्टेड हैं आप प्रदर्शन खत्म करने के लिए, स्वदर्शन में आने के लिए? कोई है इंटरेस्टेड? हैं सभी इंटरेस्टेड? ओके, या क्योंकि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया को हम देख रहे हैं, वो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबिलिटी से और परिवर्तन से भरपूर है, और यहाँ पे तरह तरह की चीजें चलती रहेंगी.
एंड यदि हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम बहुत डिस्टर्ब होंगे, इसने ऐसा क्यों किया, क्या है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है ना? तो हम बात सही है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है, वो सब अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम क्वेश्चंस में फंस रहे हैं, हम प्रदर्शन में जा रहे हैं, तो नुकसान हमारा हो जाता है। आज हम ये देखते हैं कि जब कोई बच्चा हम लोग जब छोटे थे तो हमें मैथ्स में सिखाया जाता है एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो, तो इस तरीके से अलग अलग इक्वेशंस दी जाती थी और हम ये यूज करते थे। फिर जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में आए तो हमारे को ऐसी इक्वेशंस मिलने लगी कि सेम ही इक्वेशन में प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो इस तरीके से सारे साइंस जो है एक साथ मिलने लगे। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव माइनस नंबर्स, जब सब हमें नॉलेज हो जाती है, प्लस माइनस सब कुछ आ जाता है नंबर्स के हिसाब से, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट, बड़ी क्लास में डिफिकल्ट इक्वेशंस आती हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि एक रूल होता है, बॉर्ड मास करके एक रूल होता है कि आपको कब एडिशन डिवीजन पहले है ना, ब्रैकेट पहले है, फिर ये सारा कुछ, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये एक रूल लागू होता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि पहले यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स, पहले यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट के अंदर क्या है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद कैसे कैसे। तो जैसे क्लासेस बढ़ती हैं तो चीजें भी जो है वो एग्जैक्ट मॉडल हमें बताया जा सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पर भी कहा कि ये एक ड्रामा चल रहा है, ये एक स्टोरी चल रही है, और जो अपना गेस्ट है ये अपने घर से आता है और इस स्टोरी में आता है, एंटर करता है और फिर एक पॉइंट पे एग्जिट कर जाता है। तो इसकी एक एंट्री है और इसकी एक एग्जिट है, और हमने देखा कि इसकी जो ट्रू पोजीशन है, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, वो है बियॉन्ड हार्म, कभी ना मरने वाला, कभी ना हानि में आने वाला, उसका कुछ खोता नहीं है, कुछ लूटता नहीं है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। इस एक्सपीरियंस में हम जितना आएंगे तो उतना बाकी सब जो निचले स्तर के अनुभव हैं उससे हम फ्री हो जाते हैं। लेकिन ये जो एंट्री और एग्जिट के बीच में जो पूरी यात्रा है, ये कैसे चलती है, और क्योंकि ये नेचर के लॉज के अंदर हो रही है ये जर्नी, तो नेचर के लॉज क्या कहते हैं, कैसे काम होता है, तो हमारा जो पूरी सोसाइटी है, हमारा जो पूरा समाज है, वो किस आधार पे कैसे बिल्ड होता है, कैसे चलता है, ये हमें हमको जानना ना, ये आज हम जानेंगे। तो अलग अलग स्टेजेस से गेस्ट आता है और गेस्ट जाता है, लेकिन उसकी जो यात्रा होती है, अब वो यात्रा 1,000 साल की हो, 100 साल की हो, वो 500 साल की हो, या वो 20 साल की हो, टोटल यात्रा इस धरती पर, इस ड्रामा के स्टेज पर, ना कि शरीर में, शरीर के अंदर नहीं, एक शरीर की बात नहीं हो रही है, लेकिन मल्टीपल कॉस्ट्यूम्स लेना फिर छोड़ना, तो यात्रा कितनी भी लंबी हो सकती है, 2,000 साल की भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, 3,500 साल की भी हो सकती है। 1-0 ज्यादा ही लग गया। कितनी भी लंबी यात्रा हो, लेकिन हर एक यात्रा पर ये एक कानून, नेचर के कुछ लॉज लागू होते हैं, और वो लॉज क्या है कि हर एक को कुछ स्टेजेस से गुजरना होता है। जैसे स्टेयर्स होते हैं ना, तो स्टेयर्स में हम धीरे धीरे करके नीचे उतरते हैं, धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं, तो ऐसे ग्रेजुअली चीजें चेंज होती हैं, स्टेजेस चेंज होती हैं। तो हम शुरू करेंगे कि सबसे पहला जो स्टेज है, फर्स्ट जो स्टेज है, उसकी यदि हम बात करें तो हर एक स्टेज की अपनी एक ऊर्जा होती है जिससे वो चलता है। जैसे कि कोई गाड़ी होती है, उस पर लिख कर आता है कि कौन सा पेट्रोल यूज होगा, कोई दूसरी गाड़ी है
उसमें पेट्रोल नहीं जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो वो किसके आधार पे चलती है ना? तो फ्यूल क्या है उसका? तो ये हम देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर फेज है वो है ब्राह्मण फेज। जो पहला जो फेज होता है, स्टेज होती है सोल की, फेज माना स्थिति कह सकते हैं, तो वो होती है ब्राह्मण। उसका नाम है ब्राह्मण। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हो सकते हैं, यहाँ पर हम यूज करेंगे जो हमारे को हमारे लिए आसान है याद करना। ब्राह्मण फेज। तो ब्राह्मण फेज की जो फ्यूल है, जो इसकी एनर्जी है जिससे ये गाड़ी चलती है, तो वो है हम देखें अगर, तो ये जो स्टेज है ये यहाँ पर एक ही एनर्जी होती है, ज्ञान की। ज्ञान की एनर्जी है। और ज्ञान की एनर्जी में क्या है? ज्ञान की एनर्जी से ये चलती है, तो इसका जो जीवन है उसका जो प्राइम फोकस होता है वो होती है नॉलेज। नॉलेज जो है उसमें इनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा। जैसे अगर हम किसी ब्राह्मण के घर पे भी जाएंगे तो उसके घर में हमें जाते ही, हॉल में जाते ही बहुत सारी बुक्स दिखाई देंगी, बहुत सारे पढ़ने की मैगजीन, जर्नल्स, कुछ ना कुछ नोटबुक्स। तो एक तरीके से ज्ञान, नॉलेज, ये उसका फ्यूल है, इस पर वो थ्राइव करते हैं। और जहां पर नॉलेज होती है तो कुछ ना कुछ हम देखेंगे कि रिलेशन होगा सादगी से, सिंप्लिसिटी से। जो माइंड इंटेलेक्ट बिजी हो जाता है नॉलेज में, तो उसका हम देखेंगे कई लेवल्स में, लाइफ के कई स्तर पे उसकी सिंप्लिसिटी दिखेगी, वेरी वेरी सिंपल, एक एक नेचुरल सादगी। और साथ साथ में एक नेचुरल इंक्लिनेशन होगा सेवा की तरफ, कि एक एक भाव रहेगा साथ में टू बेनिफिट अदर्स, एक बेनिफिट करना दूसरों को, किसी तरह से फायदा करना, सेवा का एक बड़ा एलिमेंट होगा। और इन सब के साथ साथ जहाँ पे नॉलेज है, सादगी भी होगी, सिंप्लिसिटी भी होगी, सेवा भी होगी, सेवा का भाव होगा, कुछ एनजीओस खोलना या कुछ स्कूल कॉलेजेस या खाना बांटना, कुछ ना कुछ अपने लेवल पे वो दे विल फाइंड अ वे वो कुछ सेवा करने का। उसके साथ साथ भगवान से कुछ ना कुछ करने का होगा, इन द सेंस कि जीवन में श्रद्धा, निश्चय, फेथ, विथ गॉड, टुवर्ड्स गॉड, एक भगवान के प्रति एक एक सद्भावना, एक भले वो रिलीजियस नहीं है, भले वो बहुत ज्यादा कुछ रिचुअल्स नहीं करते, लेकिन एक 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 नेचुरल फेथ, हायर पावर है, गॉड है, सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन, सम सॉर्ट ऑफ गुड गुड कनेक्शन, गुड फीलिंग्स। सो ये जो है, ये है इसकी विशेषताएं ब्राह्मण फेज की, नॉलेज, सिंप्लिसिटी, भगवान से और सेवा से। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी इस सोल, ये सोल के फेजेस की बात हो रही है, शायद ये शब्द हमने पहले भी कहीं सुने हो, किसी और कॉन्टेक्स्ट में सुने हो, लेकिन यहाँ पे हमारी सारी जो बात है वो सिर्फ सोल से रिलेटेड है। तो ये सोल की स्टेजेस हैं और ये हाईएस्ट फेज है, तो जहाँ पे बहुत क्लीनलीनेस है, सिंप्लिसिटी है, तो क्लीनलीनेस भी होगी, सफाई, सादगी है तो सफाई भी होगी, तो क्लीनलीनेस। तो
सादगी, सफाई, ज्ञान, परमात्मा, सेवा, ये सब का कॉम्बिनेशन जीवन में, ये सब सेंटर पॉइंट्स होंगे, ये सब मेन फोकस है। तो ये है हाईएस्ट। अब हम देखते हैं कि ज्ञान जो है वो कई टाइप का ज्ञान होता है। हम देखें कि अगर हम इस बॉक्स की बात करें, ये ड्रामा में, ड्रामा की बात करें, तो बहुत तरीके का ज्ञान है इधर। यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ना मैथ्स, साइंस, जूलॉजी, अलग अलग तरीके से तमाम तरीके की नॉलेज है इस बॉक्स के लेवल पे। साइंस है, मैथ्स, फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, या हम कहें कई स्पेस की स्टडी करते हैं, प्लैनेट्स की स्टडी, तो सब कुछ इस इधर ही है, इस बॉक्स के अंदर ही है। बॉक्स मतलब पांच तत्वों के अंदर। तो ये नॉलेज जो है इसमें कई बिजी रहते हैं, तो ये फेज सबके लिए आना ही आना है, सबके लिए सबकी शुरुआत इसी फेज से होती है ना। तो समबडी कैन बी इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, या प्लेन्स कैसे बनाते हैं, या गेम्स कैसे क्रिएट करे जाते हैं, कोडिंग में, किसी भी चीज में, तो नॉलेज। मगर यहाँ पर इस फेज में सभी को आना है, हर फेज में आना कंपलसरी है। लेकिन कुछ होते हैं, सभी ब्राह्मण फेज में आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो ब्राह्मण फेज में आते हैं मगर उनको जो नॉलेज में जो इंटरेस्ट होता है वो नॉलेज होती है आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज को हम कहेंगे उनको इंटरेस्ट होता है ट्रुथ में। सो नॉलेज बहुत लेवल्स की है, बहुत तरह की नॉलेज है, मैथ्स है, फिजिक्स है, जैसे कहा कि तरह तरह के नॉलेज है, म्यूजिक का ज्ञान है ना, स्पोर्ट्स वो भी एक तरीके से ज्ञान है, कितना खाना है, क्या करना है, कब सोना है, कब उठना है, डाइट, अलग अलग तरीके से अलग अलग ज्ञान है। लेकिन इसमें जो हाईएस्ट है ज्ञान में भी कहेंगे ना, एक हाईएस्ट ज्ञान वो है सत्य, ट्रुथ, जिसमें ये ट्रुथ की ये दुनिया ही फॉरेन लैंड है और इस दुनिया के बाहर हमारा घर, हम कहाँ से आए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट्स द हाईएस्ट नॉलेज। एंड वो जो फिर सिंप्लिसिटी होगी वो सिर्फ कपड़ों के लेवल पे, कलर्स के लेवल पे, इससे इधर तक ही सिंप्लिसिटी नहीं है, शॉपिंग नहीं करना या बस इतना ही नहीं, सिंप्लिसिटी फिर वो थॉट्स में ट्रांसलेट हो रही है, सिंप्लिसिटी वो शब्दों में ट्रांसलेट हो रही है, वो दुनिया को देखने के तरीके में ट्रांसलेट हो रही है। कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है, कॉम्प्लिकेट उलझा हुआ माइंड नहीं है। तो जहां पे हाईएस्ट नॉलेज है तो फिर उसको कहा जाता है सच्चे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण फेज में सब आते हैं, लेकिन सच्चे ब्राह्मण के फेज में सब का आना जरूरी नहीं है। तो वो एक हो जाती है लॉटरी, आत्मा, जो आत्मा ये सच्चे सच्चे ब्राह्मण, वो बिजी हो जाती है रियल नॉलेज के साथ, नॉलेज जो कि इट ब्रिंग्स यू बैक टू द ट्रू स्टार। सो वो जैसे एक हाईएस्ट लॉटरी है, बड़ी लॉटरी, तो उसका जो सिंप्लिसिटी है वो सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पे नहीं लेकिन माइंड के लेवल पे है, उसके ऑरा के लेवल पे यू विल फील, जो क्लीनलीनेस है वो उनके मन के लेवल पे क्लीनलीनेस होगी। परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है वो सिर्फ महीने में एक बार का, या साल में एक बार का, या जस्ट एक फीलिंग नहीं, एक एक बिलीफ नहीं, लेकिन इट्स अ कांस्टेंट संबंध, एक रियल संबंध, सच्चा संबंध। और जो सेवा भी है वो सिर्फ इतनी सेवा नहीं कि पढ़ा दिया, किसी को खिला दिया, पैसे दे दिए, बट सेवा, ट्रू सेवा ऑफ द सोल, जो पीछे भी मेहमान है उसको, उसकी सेवा, उसको जगाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो ये है पहला फेज, और इस फेज का रिजल्ट होता है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है,
जितना जो सोल इस फेज में कितना समय रहती है उसी के आधार पे बाकी सारे फेजेस हैं। अगर इस फेज में कोई ज्यादा रहता है इस वाले फेज में, और इससे भी ऊपर अगर कोई इस फेज में ट्रुथ की नॉलेज में उसमें ज्यादा रहता है, तो फिर जो उसका रिजल्ट होता है वो है सेकंड फेज। तो सेकंड फेज जो है वो है डेटी, देवताई। तो जितना ज्यादा नॉलेज में इंटरेस्ट, जितना ज्यादा सेवा भगवान वो सब, तो सेकंड फेज जो हर एक के लिए आता है वो है देवताई स्वरूप, देवताई फेज, देवताई स्वरूप। यहाँ पर अगर हम बात करें कि फ्यूल क्या है, एनर्जी क्या है, तो वो है हैप्पीनेस, सुख की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ भी सुख पाने के लिए नहीं हो रहा है, हर एक्शन, हर थॉट, हर शब्द सुखी हैं उस एनर्जी से निकल रहा है। सुख सुखी हो जाएंगे इसलिए नहीं, खुशी के लिए नहीं हो रहा है, खुश होकर ही सब कुछ हो रहा है। तो ये है देवताई सेकेंड फेज, जो आत्मा का, हर एक आत्मा का आता ही आता है उसका एनर्जी। और इसकी क्या क्वालिटीज होती हैं? इसकी ये क्वालिटीज हैं कि ये अपने आप में परफेक्ट, 100% जब भी हम सोचते हैं ना, कि जब हम मन में एक पिक्चर बनाते हैं कि हमारा सच्चा दोस्त कैसा होता है, सच्चा अच्छा बेटा कैसा होगा, अच्छी बहू कैसी होगी, या अच्छा पति कैसा होगा, अच्छा पार्टनर कैसा होगा, तो वो जो हम एक इमेज बनाते हैं ना अपने मन में कि वो ऐसा होगा, वो ऐसे करेगा, वैसे करेगा, तो वो जो आइडियल, तो ये जो देवताई फेज होता है सोल का, इसमें दे आर आइडियल। हर संबंध में, हर रिश्ते में वो आइडियल है, बिल्कुल आदर्श, परफेक्ट है, आइडियल है। एज अ बेटा भी आइडियल होगा, एज अ हस्बैंड भी आइडियल होगा, हर रोल में, एज अ टीचर, एज अ बॉस बना दो, मैनेजर बना दो, एम्प्लॉय बना दो, क्लर्क बना दो, हर लेवल पे इज आइडियल, क्योंकि एक सोल जो है कंप्लीट परफेक्ट। और इसमें इसमें क्या होगा कि इनके जीरो पेन मैसेजेस होंगे, जीरो आइडेंटिटीज, जीरो फॉल्स आइडेंटिटीज, ड्रामा से जीरो पहचान। जो ड्रामा चल रहा है उससे जीरो आइडेंटिटी, जॉब के आधार पे, स्टेटस के आधार पे, रिश्तों के आधार पे, जीरो आइडेंटिटीज। और इसीलिए उनका जो जीवन रहता है वो जीरो पेन मैसेजेस, दर्द उसमें जीरो होता है, जीरो पेन, जीरो हर्ट, इमोशनल, मेंटल, जीरो। और इसकी वजह से इनकी एक आदत होती है, एक विशेषता है, कि अगर किसी में दस दस अवगुण हैं, 10 उसके अंदर फ्लॉज हैं ना, इनको दिखाई देगा उसके अंदर एक गुण। ये जो सुख की एनर्जी है ये ऐसी है जीरो आइडेंटिटीज है ना, जीरो आइडेंटिटीज हैं, और जीरो दुख है अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑल द टाइम दे आर परफेक्ट, आइडियल हैं, और 10 कहीं अवगुण हैं तो इनको दिखाई ही एक गुण देता है, उसको अच्छाई ही दिखाई देती है। अगर इनको किसी ने जानबूझकर भी धक्का दिया ना, उसको ऐसा लगेगा कि वो इनसे गलती से हो गया है, वो अपने को कन्विंस नहीं करेगा, उसको लगेगा ही कि यार ये इनसे गलती से हो गया है। कोई उसको जानबूझ के उसको इंसल्ट करेगा तो उसे उसे लगेगा कि ये व्यक्ति जो है आज थोड़ा उदास है, देखो गलती से इससे ऐसा हो गया है, ऐसा बोल दिया इसने गलती से। तो दे नेचुरली
हैव दिस, नेचुरली दे हैव दिस। इसके बाद हम देखें तो जितनी देर हम इस फेज में हैं, उतना ही इस देवताई फेज का आनंद लेते हैं। जितना ज्यादा ब्राह्मण फेज, उतना ज्यादा देवताई फेज। फिर उसके बाद थर्ड जो फेज है जिसमें हर एक आत्मा आती है, वो है क्षत्रिय फेज, जिसको कहा जाएगा वॉरियर, योद्धा, क्षत्रिय वॉरियर। तो इसकी जो फ्यूल होगी, एनर्जी होगी, जैसे ज्ञान था, सुख था, इसमें जो एनर्जी होगी वो होगी हिम्मत। हिम्मत, करेज इसको कहें। तो करेज की वजह से क्या होगा कि करेज मतलब कि थोड़ा सा कुछ एक कुछ सिद्ध करने का, कुछ प्रूफ करने का एटीट्यूड होगा। प्रूफ भले वो दूसरे को नहीं, अपने आप को भी प्रूफ करने का, जरूरी नहीं है दूसरे को, लेकिन अपने आप को भी प्रूफ करने का, कि आई एम, दिस आई एम समथिंग। सो यहाँ पर हिम्मत की वजह से थोड़ी थोड़ी फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, हम कहेंगे कुछ कुछ फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, तो कुछ पेन मैसेजेस भी आते हैं। किसी रिश्ते में कुछ हो गया कहीं पे कुछ तो थोड़ा पेन, थोड़ा हर्ट, थोड़ा क्योंकि अटैचमेंट्स हैं तो के लिए भी होगा। और साथ साथ में हिम्मत है तो वहां पे कोई डर नहीं होता है, रिस्क लेने की आदत होती है ना, इनको बहुत ज्यादा एडवेंचर पसंद होगा, चैलेंज ना, चैलेंजेस में इनका बेस्ट निकल के आता है। जितना उनको चैलेंज करो तो उनका और अच्छा निकल के आएगा, बिकॉज दे गेट टू प्रूव, कुछ साबित करने को मिलता है, नहीं चांस मिलता है कि हम साबित करें। तो अगर हम किसी वॉरियर के घर पे जाएं जो इस फेज में है, कोई सोल जो इस फेज में है उसके हम घर पे जाएं यहाँ पे ड्रामा में, तो उसके ना एंटर होते से ही बहुत मेडल्स, बहुत अकम्प्लिशमेंट्स ना, इनसे मिले उनसे मिले, फोटोज होंगी, क्या क्या किया, मुश्किल काम ना, सब कुछ ये लगा होगा। तो इस तरीके से दे दैट इज हाउ दे ना अपने आप को वैसे मोटिवेटेड रखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी है, एडवेंचर्स लेने की भी आदत है, तो थोड़ा थोड़ा जो है कॉम्पिटिशन भी रहेगा अपने आप। दूसरा भले कॉम्पिटिशन में ना हो, दूसरे को नहीं लग रहा है कि हमारा कोई कंपटीशन चल रहा है, लेकिन इसके माइंड में होगा अगर ये ऑफिस में काम कर रहा है, इस फेज में कोई है और वो ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसको लगेगा कि मुझे अपने सारे कलीग से बेटर दिखाना है अपने को ना, तो वो अंदर में उसको लगता रहेगा कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है, मैं इससे बेटर करूंगा। तो वो अपने आप ही कॉम्पिटिशन में अपने आप को डाल के रखता है, उसको लगता है कि सारा टाइम ये कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो ये एनर्जी जो है 100% खुशी की एनर्जी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अचीव हो जाए ना, ये हासिल हो जाए फिर खुश होंगे, बॉस तारीफ कर दे फिर खुशी, या इतना कुछ किया हमने आज पूरे दिन बैठ के, एक टेबल बनाई, घर को पेंट किया, तो जब कोई कुछ कह देगा कि बहुत अच्छा किया, बड़ी मेहनत करी, तब जाके अच्छा लगेगा, तब जाके लगेगा कि मैंने कुछ अचीव किया आज। कोई नहीं कहे तो क्योंकि फॉल्स आइडेंटिटीज हैं, तो फिर दर्द होगा, अंदर से दर्द होगा कि कुछ कहा क्यों नहीं, तारीफ नहीं करी या क्या है। यहाँ पर क्या है, कोई कुछ करे ना कहे, कोई कह दे कि आप बर्तन धुल दो, बाकी सब बैठ के बातें कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, इधर खुश है, उनको उनको लगेगा ही नहीं कभी कि कोई जानबूझ के कर रहा है, कोई ऐसे होता है, उसको नहीं दिखेगा, एक ही गुण उसको दिखाई देता है। तो उसका जो इनर एक्सपीरियंस है वो हमेशा सुख का है, ऑल द टाइम हैप्पी।
ना, लेकिन यहाँ पर जितनी फॉल्स आइडेंटिटीज बढ़ती हैं उतना ज्यादा दिमाग काम करने लगता है ना, ओवर सोचना। ओवर सोचने की वजह से कंपटीशन, जेलेसी, ये सारी चीजें आती हैं। साबित करना, कुछ दिखाना, खुश नहीं होना, खुशी के लिए कुछ करते रहना, पोस्टपोन करना खुशी को, बाद में खुशी होगी, ऐसे में जीना, तो ये एक फेज आता है। इसके बाद फेज है, इसके बाद जिसको कहा जाता है वैश्य, मर्चेंट, मर्चेंट फेज। मर्चेंट फेज में जो पूरी एनर्जी है, पूरी ऊर्जा है, वो ऊर्जा ही होती है आराम। यही जीवन का उद्देश्य है। जैसे इससे पूछो ना कि लाइफ का क्या नाम है, जैसे इनसे बोलो कि पोयम लिखनी है आपको ना, जीवन क्या है, तो ये बताएंगे जीवन क्या है। जीवन तो है जिसमें ज्ञान हो, जिसमें एक मीनिंग हो, इसमें एक पर्पस हो ना, जीवन माना हो। इस तरीके से इससे पूछेंगे देवता से जीवन क्या है, तो कहेंगे जीवन माना लाइफ मीन्स हैप्पीनेस, ऑल द टाइम हैप्पी, जॉय, कुछ भी आ जाए जीवन में लेकिन सुखी है, खुश है ना, दैट ये लाइफ है। इससे पूछे जीवन क्या है, जीवन मतलब कुछ एडवेंचर हो, कुछ हिम्मत हो, हिम्मत दिखाई जाए ना, अपना पावर को प्रूफ किया जाए। जीवन माना जहाँ पे कठिनाई होती है, संघर्ष होती है, लेकिन आप उन संघर्षों को जीत के पार करते हो, हिम्मत से पार करते हो, ये जीवन का नाम है। इससे पूछो कि आपको पोयम लिखनी है ना जीवन पे, जीवन क्या है, अगर जीवन माना खाना मतलब आराम करना, जीवन माना आराम, जीवन माना जहाँ कोई तकलीफ नहीं हो, ना ही कुछ ये हो, तकलीफ नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो, अशांति नहीं हो, कहाँ नहीं हो, बाहर नहीं हो ना, क्योंकि हम तो हमारी मेंटल स्टेट तो डिपेंडेंट है जो बाहर हो रहा है, तो बाहर कुछ नहीं हो। देवता कह रहा है कि कुछ भी हो तो सुख, जीवन का नाम ही है सुख, जीवन मतलब एक गिफ्ट है, एक सुखी ना, सुख है, लाइफ मीन्स जॉय। तो बाहर कुछ भी आ रहा है लेकिन उसकी मेंटल स्टेट डिपेंडेंट ही नहीं है बाहर क्या आ रहा है। और इनकी मेंटल स्टेट कैसे डिपेंडेंट है कि बाहर से जो आ रहा है उसको आप कैसे पार कर रहे हो, कैसे उस पे जीत पा रहे हो, वो है लाइफ। बट इसके लिए बाहर कुछ नहीं हो तो इनका फिर पूरा जीवन जाता है तरह तरह से बाहर कंफर्ट क्रिएट करने के लिए। उनका स्लोगन ही होगा कि अच्छा सोफा आ जाए, थोड़ा आराम का आ जाए, घर थोड़ा आराम का हो ना, थोड़ा अच्छे से हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा अच्छे से हो जाए लेकिन पूरे टाइम एनर्जी उसी में रहती है, तो आराम पसंद ना? और उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा रिस्क लेने का ना, नो रिस्क, कभी भी वो रिस्क नहीं ले सकते, बहुत बच के, बहुत सोच के, बहुत ज्यादा दिमाग लगा लगा के हर चीज करना ना? बहुत सारा टाइम रिस्क, नो रिस्क, किसी भी चीज में वो रिस्क नहीं ले सकते, तो कंफर्ट पसंद है। एंड इस तरीके से ये हम देखें तो काफी सारी फॉल्स आइडेंटिटीज हैं फॉल्स आइडेंटिटीज का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसीलिए जो इसको पेन के मैसेजेस हैं वो भी बहुत आते रहेंगे। इतना सोच सोच के घर खरीदेंगे, इतना सोच सोच के गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन फिर पेन मैसेज आ जाएगा, कुछ अपने आप होता रहेगा हमेशा नेचर में ना, कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, बहुत आराम से, बहुत सोच के सब काम हो रहा है, फिर भी प्रॉब्लम, फिर भी तकलीफ, फिर भी दर्द आता रहेगा, कभी कुछ तो उलझे हुए। तो इनका जीवन की डेफिनेशन मतलब आराम, हर लेवल पे कंफर्ट हो, सोने में कंफर्ट हो ना, कोई तबीयत खराब हो गई तो ज्यादा से ज्यादा दवाई, जल्दी से जल्दी ये, तो दैट इज द लाइफ। अब इसके बाद ना, इसके बाद है फिफ्थ, फिफ्थ स्टेज। तो जितना ये अभी इस बात को ध्यान से सुनेंगे, एक एक बड़ी बड़ी बात है, ध्यान से सुनेंगे,
एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक स्टेटमेंट है ना, लेट्स सी ये सब सुन रहे हैं कि नहीं, बिकॉज ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है. कौन कौन सुन रहा है? या सुन रहे हैं. सो यहाँ पे जो कुदरत का जो फॉर्मूला है ना, कानून का, सॉरी कुदरत का, नॉट कानून का, कुदरत का कानून. सो नेचर का जो लॉ क्या है, कि जितना ज्यादा हम इस फेज में हैं उतना ज्यादा देवताई फेज होगा, और बाकी सारे फेजेस जो हैं उतने ही कम होते जाएंगे, ये कम टाइम के लिए रहेंगे. लेकिन जितना हम इससे दूर हैं, इससे जितना दूर होंगे, ये कम अगर हो गया, सच्चे ब्राह्मण ये बने ही नहीं ना. ट्रू ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, उसमें इंटरेस्ट कभी आया ही नहीं, तो ये कम हो जाता है और ये सब बढ़ जाता है. देवताई फेज मान लो 50 साल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 70 साल, ये हो जाएगा, बढ़ता जाएगा ऐसे. तो इस तरीके से यहाँ पे ये फेज है. अच्छा फिर फिफ्थ फेज है ना, शूद्र. तो आत्मा जब शूद्र फेज में है तो क्या होता है, कि इसकी जो पूरी एनर्जी है वो आराम से ना, आराम से अब किस में आ गई है, आलस्य में, लेजी. अगर इनसे इनसे किसी ने पूछा ना कि कोई शूद्र फेज में है और इनसे पूछे ना कि अच्छा ना जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, तो क्या लगता है क्या रिप्लाई मिलेगा, लाइफ क्या है? लाइफ, व्हाट इज लाइफ? चल रही है, कट रही है, गोइंग, खाना पीना ना, खाना पीना लाइफ है, जस्ट लेजी रहो. हाँ लाइफ क्या है, सुबह सुबह बस कोई चाय बना के दे दे, फिर कोई कैसे तैसे ना कोई कपड़े प्रेस करके दे दे, फिर ऑफिस जाना ना पड़े. काश ऐसे हो जाए, खाना मतलब खिला भी कोई और दे, तो ये नहाने में इतने प्रॉब्लम होती है ना, नहला भी कोई और दे. तो धीरे धीरे अगर उनसे पूछो लाइफ क्या है, तो लाइफ जो है हर चीज में, दे विल फाइंड ये सिंपल सा टास्क भी ऐसा लगेगा जैसे ना बहुत पहाड़ पहाड़ उठाने जा रहे हैं. तो जैसे चल रहा है वैसा ठीक चल रहा है, वो तो हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन फन भी नहीं, नॉट फन. लाइफ इज जस्ट लाइक ड्रैगिंग थ्रू इट, जैसे किसी तरह हम अपने को घसीट के उससे उनसे पूछो कि अरे आज चाय नाश्ता कर लिया था, अरे क्या नाश्ता, आज तो ब्रेड बनानी पड़ी ना खुद से, ये इतना जैसे मेजर लगेगा ना कि आप उनसे बात करो, तो हर टास्क ऐसा लगेगा जैसे कि ना कोई डेली जैसे पहाड़ कोई तोड़ना पड़ रहा है. तो ऐसा ऐसा जो है ये फेज आता है सभी सोल्स का. सो ये कंप्लीटली उल्टी दिशा में है, कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन, कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन. बहुत सारा कंप्लीट अटैचमेंट, उस जो कहानी चल रही है ना उससे अनगिनत अटैचमेंट्स, और इतने सारे अटैचमेंट्स की वजह से बहुत सारे पेन मैसेजेस ऑल द टाइम. एक क्या होता है ना, मैसेज भी तो तब पता चलेगा जब हम थोड़ा ना
पूरे टाइम जब उसी में सो रहे हैं, उसी में है, तो मैसेज आ भी रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। कईयों का होता है ना इनबॉक्स, यू नो, इट्स फुल फुल, हजारों उसमें होंगे, तो मैसेजेस आते रहते हैं। अभी वो बुलेट प्रूफ नहीं हुए हैं, लेकिन पेन में रहना ही नॉर्मल हो गया है। इतनी अटैचमेंट्स, इतने पेन मैसेजेस ऑल द टाइम, बोरियत फील होगी, नेगेटिव लगेगा, बोर्डम लगेगा, दुखी लगेगा। इसीलिए कहा ना, सिंपल टास्क चाय बनाना, सिंपल टास्क उठना, वो सब में बहुत पेन मैसेज क्या है, असंतुष्ट, अरे क्यों कर रहे हैं, दुखी दुख, यू नो, एंड ऑल द टाइम उसी में रहना। सो इनके पास कोई कुछ नया जाने, कुछ क्रिएटिव करें ना, कुछ अपने अंदर चेंज लाएं। अगर ये बहुत बताएंगे ना कि अरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, अभी ये हो गया, अभी फिर वो हो गया, अभी तो इतना करना पड़ता है, ये वो, तो आप इनको कहो कि अच्छा ऐसा करते हैं ना कि फिर हम कुछ प्लान बनाते हैं, तुम ना थोड़ा जिम जाओ, ऐसा करो कि कुछ अपना कुछ हॉबी के लिए कुछ क्लास ज्वाइन कर लो। अरे नहीं यार, वो उससे थोड़ी होगा। ऑल द टाइम क्रिएटिविटी, नया कुछ कर लें, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट सिर्फ है शिकायत करना, सल्क करना, यू नो, प्रश्न करना, बस कंप्लीट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरीके से, यू नो, उनका जो लाइफ है वो पूरे टाइम खाना पीना, ऐश करो, ऐश करना मतलब बस खाओ पियो किसी तरह, एक दिन कट जाए टाइप, यू नो। सो ये है आलस्य की एनर्जी में, कंप्लीट आलस्य, हर काम के पीछे आलस्य, हर थॉट, हर एक्शन, हर वर्ड, एवरीथिंग, रिलेशनशिप्स, कंप्लीटली आलस्य की एनर्जी से। और अभी जो लास्ट फेज है, लास्ट फेज ऑफ द सोल, ये है असुर। डिमोनिक, इस एनर्जी, इस फेज में सोल जो है किस एनर्जी से चलती है? एनी एनी गेसेस? हाँ, लाइफ भी मीनिंगलेस पर्पसेस, बट यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो दुख, दुख देना, दुख लेना ना, दुख लिए बिना उनको चैन नहीं आएगा। दुख देना है और फिर लेना है, लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये भी इक्वल इक्वल इम्पोर्टेंस है, देने की भी और लेने की भी। सो यहाँ पे हर चीज एक प्रॉब्लम, यू नो, ये ऐसा माइंड होता है जो हर चीज को एक प्रॉब्लम ही देखता है। हर चीज प्रॉब्लम है, आज बारिश हो गई तो प्रॉब्लम, उस पे से, यू नो, मेड नहीं आई तो प्रॉब्लम, हर चीज प्रॉब्लम है। स्कूल जाना पड़ रहा है तो प्रॉब्लम, यू नो, डेली कंप्लेंट करेंगे बच्चों को, स्कूल जाना पड़ रहा है, फिर किसी दिन ना जाने पड़े वो अलग प्रॉब्लम है ना, जाना ही नहीं पड़ रहा है, ऑल द टाइम, ऑल द, पूरा माइंड, पूरा हर एक्सटर्नल चीज को सिर्फ प्रॉब्लम देखता है ना। मेहमान आ जाए तो प्रॉब्लम, नहीं आए तो प्रॉब्लम, हर चीज से प्रॉब्लम। सो टर्न्स एवरीथिंग प्रॉब्लम, बहुत ही रिवेंजफुल ना, बदला लेने का बहुत टेंडेंसी होगी। जो ईर्ष्या, ये जो नीचे की भावनाएं होती हैं, ईर्ष्या, द्वेष, डुअल पर्सनालिटी, मतलबी होना, रिवेंजफुल, ये सब बहुत लोअर स्टेट्स में वो ऑल द टाइम रहेंगे। हर चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कोई चीज सिंपल समझ में नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि चेंज होना नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, कुछ नया समझना नहीं है, जस्ट जस्ट आलस्य। लेकिन यहाँ पे चेंज होना नहीं है, समझना नहीं, सब कुछ है, लेकिन उसमें एक हट है, एक उसमें स्टबर्ननेस है, जिद्दी, जिद्दी का एलिमेंट एडेड है। दुख देना ही है, दुख लेना ही है, इट इज लाइक अ जिद, एक एक स्टबर्ननेस है। कॉम्प्लिकेट करना, प्रॉब्लम देखना, एक एक जिद है, ऐसे ऐसे कैसे,
अच्छा कैसे हो गया, तो इस तरीके से. सो लोअर स्टेट एंड लॉट ऑफ पेन मैसेजेस, बहुत ज्यादा पेन मैसेजेस में देखेंगे कि पूरे टाइम दर्द जो है नेचर से मिलता ही रहता है. इतनी आइडेंटिटीज हैं, अनलिमिटेड, लाखों करोड़ों आइडेंटिटीज. तो लोगों से कंट्रोल बिहेवियर, बहुत बहुत सारी, सारा नेगेटिव, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, कंप्लीटली डिपेंडेंट दूसरे को भी, हर तरफ से. तो पेन मैसेजेस आते रहते हैं. अब यहाँ पर जो मेन मेन जो फ्यूल है वही है दुख देना, दुख लेना. तो अब कुदरत का कानून जो है, नेचर क्या कहता है कि कोई भी जो है ना, अभी फॉरेवर नहीं गिरते रहता है. असुर के बाद फिर और कोई सातवां फेज आएगा, ऐसा नहीं है. इसके बाद क्या होता है, इट इज अ साइकिल, पूरी साइकिल है. असुर के बाद क्या आता है, आता है ब्राह्मण फेज. तो जैसे हम कहते हैं ना कि नीचे जैसे हम जा रहे हैं, तो नीचे जाने में तो यू कैन नॉट कंट्रोल, जैसे नीचे कोई जा रहा है तो वो तो जाते ही जा रहा है. कोई हम अगर किसी को हमने पहाड़ी से ऐसे रोल कर दिया तो वो नीचे तो जाते ही रहेगा, लेकिन ऊपर आने का उसके पास चांस है. तो अभी ये रॉक बॉटम हिट करने के बाद हर एक के पास अपॉर्चुनिटी है, चांस है ब्राह्मण फेज में जंप मारने का. इस फेज में आ जाने का सबके पास चांस है. सो ये जो टाइम है, हर एक जो है अलग अलग फेजेस से पास होके, और किसी किसी फेज में है. पूरी जो समाज है हमारा, पूरे सोसाइटी को अगर हम देखें, समाज को, किसी भी देश को हम देख लें, किसी भी वहां पे स्टेट को देख लें, कहीं पर भी, सारे फेजेस मिलेंगे हमें अलग अलग. एक ऑफिस के अंदर बिल्डिंग में सब फेजेस की आत्माएं होंगी ना. देवताई होंगे, ब्राह्मण होंगे, वॉरियर होगा, असुर होगा, शूद्र होगा ना. और हो सकता है कि ज्यादा अभी असुर हो, ज्यादा अभी शूद्र हो, सकता है ज्यादा सोल्स अभी इन फेजेस में हो. तो सभी के पास लेकिन चांस है कि ब्राह्मण में जंप करने का. ये पहला फेज है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये पहली, ये फाउंडेशन है. इसमें अगर आ गए तो फिर देन यू स्टार्ट क्लाइंबिंग अप ना, देन यू स्टार्ट फ्लाइंग, फिर उड़ने का तरीका शुरू हो जाता है. सो ये हमारे पास चांस है. तो ये कैसे हम ब्राह्मण फेज में आते हैं, तो तुरंत हमें ये जो यहाँ पे लाइन है ना, ये लाइन बनी हुई है ना, तो इसमें ज्ञान की लकीर को क्रॉस नहीं करना, ये हमको ब्राह्मण फेज में लेकर आता है. और देवता जो है वो ब्राह्मण का रिजल्ट है, देवता जो है वो ब्राह्मण का रिजल्ट है. तो पहले हम इस पोजीशन में, आत्मा इसमें आए. तो ये है सभी के पास एक सुनहरा चांस. एवरीवन हैज दिस अपॉर्चुनिटी. तो ये टाइम है कमिंग बैक टू दिस फेज. सो कोई कोई प्रश्न है यहाँ पर, किसी के कोई थॉट्स हैं जो शेयर करने हैं? सो चलिए हम अभी कल तक पूरे टाइम ये अटेंशन रखें कि हम ये सच्चे ब्राह्मण के फेज में आए. यहाँ पर क्योंकि क्लैरिटी है, कंप्लीट नॉलेज है, तो पेन मैसेजेस नहीं है. और ज्ञान किस आधार पे पेन मैसेजेस नहीं है ना, क्योंकि एक इंटरेस्ट है और आइडेंटिटीज को खत्म करने का, पेन मैसेजेस को जीरो करने का एक कांस्टेंट काम चल रहा है, क्योंकि ज्ञान है, परमात्मा का संग है. सो एक दिन 24 घंटे चलिए हम अपने ऊपर ध्यान रखें, और आसपास में हमें दिखता रहेगा कौन कौन किस फेज में है, मगर हम जानते हैं कि हर एक जो है उसको इस फेज में आना ही है,
हर एक आत्मा को इस फेज में जरूर आना है। तो हम इस उम्मीद, इस उमंग, इस उत्साह के साथ, भले कोई अभी असुर में हो, लेकिन हम उसके अंदर का ना वो देवताई फेज, उसको हम याद रखते हैं। और मेन मकसद है हमारा अपने पर आना, स्वदर्शन। सो चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।